रहूंगा मैं जब छीन लिया जाएगा मुझसे मेरा ही आशियाना। काश जमीन खरीदने से पहले जांच पड़ताल कर ली होती। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देखो फरीदाबाद। शायद ही शहर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने खोरी गांव की झुग्गियों की तोड़फोड़ के बारे में ना सुना हो। जिस समय देश के तमाम लोगों का ध्यान जातिवाद और राजनीति की तरफ खींचा हुआ है, उस समय हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने ले जा रहे हैं जिस पर अधिकारियों ने अभी ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले समय में एक बार फिर खोरी गांव जैसे हजारों मकान और लाखों लोग बेघर होंगे और इल्जाम आएगा सरकार पर, जबकि गलती मौके पर इस समय मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों की और भूमाफियों की है। हमारे संवाददाता द्वारा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसके अंदर ये पता लगाया कि कैसे भूमाफिया गरीब जनता को बहला फुसला कर उनकी जमा कुंजी से जुआ खेलती है। तो चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। भाई सब खर्चे पानी के लिए आते हैं, मैं तुम्हें सीधी बताऊं, एनसीडी वाले आएंगे ना आपके पास, खर्चे पानी के लिए आएंगे। वैसे वहाँ पे अप्रूवल आज तक आए नहीं है, कम से कम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो खर्चे पानी के लिए आएंगे, वो खर्चा पानी कौन भरेगा? हम भरते हैं। अच्छा, वो भी आप ही भरते हैं? हम ही देते हैं, मतलब सरकार के अंदर तक आपकी? तीन बार तक आते हैं, सिर्फ तीन बार आते हैं। घर में डिस्कस कर ले कि भैया एग्रीकल्चर लैंड है, ऐसे ऐसे है, गारंटी मिले टूट फूट की तुम्हारी गारंटी, आप बिल्कुल पूरी गारंटी ले रहा हूँ। एक रुपये का नुकसान होगा वो मैं खुद भरपाई करूँगा, उसके लिए हम बैठे भाई। फिर मजाक में देते तुम भाई, मजाक नहीं भाई, ऐसा लग रहा है सरकारी आदमी हूँ आप। हाँ से अब जैसे हमारी ये जमीन है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। मैंने आपके कहने पे 1,00,000 रुपए का प्लॉट खरीद लिया, वो मैं कुछ दिन 1,00,000 रुपए में वेस्ट हो, तो अगर सरकार कुछ वो निकाल, सरकार तोड़ फोड़ करके किसी जमीन हमारी है, सरकार की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी मतलब आपकी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी। हाँ, अगर आप मकान बनाते हो जितना आपका कोई होगा नहीं, कोई टूट फूट होती है उसकी जिम्मेदारी लिखित में मिलेगा, लिखित में मिल जाएगा प्लॉट वापस क्या सरकार से कोई लिंक नहीं है क्या? प्लॉट वापस करना चाहो वापस मिल जाएगा। अपना घर रियल एस्टेट कब से? दो तीन साल हो गए, पर इससे पुराना काम हमारा यूट्यूब पे सबसे पहले हमारा ही है। अच्छा, श्री काल कमा की वीडियो देखो आप, अशोक शर्मा जी हैं जो उनके छोटे भाई हैं, तो हमारा। अच्छा यार भाई, बस वही बात है ना, हमें पता ही नहीं। मैं सोच रहा कोई गाँव वाँव की जमीन वैसे होगी तो एग्रीकल्चर, मतलब ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर लैंड हमारी है। कैसे कैश लूँगा जिस दिन रजिस्ट्री हो? सारे सारे किश्तों का कोई वो चक्कर नहीं, किश्तों वाला कोई खर्चा करते हैं आपसे? टू फुट गारंटी मेरी, पेपर गारंटी मेरी, देख लो भाई बाद में फिर वो आ जाएगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कि चल के ले लूँगा, उस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपका 1 रुपये का नुकसान होगा वो मैं भरपाई करता हूँ, 1 मीट गिरी ना वो मैं बना के दूंगा, जैसे गिरेगी वैसे ही। चलो उसके लिए ठीक है, ठीक चलो भैया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी भी भूमाफियों की जेब में हैं। साफ साफ कहा गया है कि जो तोड़ने आते हैं उन्हें पैसे ये माफिया खिलाते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर उन्हें लूट लेते हैं। इस नए युग में एक नए किस्म के डाकू आपके और हमारे बीच मौजूद हैं, इसलिए इनसे सावधान रहिएगा। इनकी बातों में आकर कभी भी बिना जांच पड़ताल के जमीन ना खरीदें। दोस्तों, इनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता क्योंकि अधिकारी इनकी जेब में है। उनके एक्शन लेने से पहले ही उन्हें हफ्ता मिल जाता है, लेकिन अपना खून पसीना एक एक करके पाई पाई जुटाने वाले गरीब को बेवकूफ बनाकर ये भूमाफिया अपनी तिजोरियां भरते हैं। लेकिन शर्मनाक बात ये है कि इनके साथ बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हैं जो उस समय गायब हो जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट या सरकार के किसी ऑर्डर के वजह से इनके सपनों के घरों पर बुलडोजर चलता है। तो दोस्तों, जागरूक रहे, यूट्यूब पर अपना घर नाम से उनका चैनल है जिस पर ये 1,00,000 रुपए के आपके सपनों का घर देने का दावा करते हैं। इन गरीबों को नोचने वाले लोगों से बच कर रहे, मेरा काम था आप तक जानकारी पहुंचाना, हमने आप तक जानकारी पहुंचा दी। अब देखना यह है कि क्या कोई नेक और ईमानदार अधिकारी इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा और गरीबों का मसीहा बन के सामने आएगा, और अगर नहीं तो हमारी कोशिश जारी रहेगी, हम लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों का ईमान धर्म सिर्फ काली कमाई है जो ये भूमाफिया उन्हें समय समय से दे रही हैं।
इसी के साथ अलविदा लेते हुए ये कहना चाहूंगी कि कोई सरकार कोई अधिकारी के भरोसे मत रहिए, जागरूक बनिए। राजनीति और जातिवाद के अलावा भी देश में कई मुद्दे हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है।